हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो मैसेज टोन सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैसेज टोन सेटिंग जो है ना, इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन पर सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, ये मैसेज टोन का, मैसेज टोन सेलेक्ट करना है। अब मैसेज टोन के इस पेज में आपका जो है ना, ये म्यूट के सामने वाले सर्कल पे आपका टिक मार्क लगा होगा, यानी कि आपकी सेटिंग पहले से डिसेबल होगी। इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको जो है ना, म्यूट के नीचे आपको काफी सारी ये मैसेज टोन दे रखी है, इनमें से आप यहां से कोई सी भी टोन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी मैसेज टोन सेटिंग इनेबल हो जाएगी, ठीक है। आप चाहे तो इसे सबसे ऊपर कस्टम रिंग टोन में से भी आप जो है किसी भी टोन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी तो भी जो है ना मैसेज टोन सेटिंग इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी यहां पर जो है ना, मैं ये वाली टोन सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, मैसेज टोन आपकी इनेबल हो चुकी है। अब ये सेटिंग इनेबल होने के बाद काम कैसे करेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके मोबाइल फोन पे कोई जब भी मैसेज आएगा ना, तो आपका मोबाइल फोन ये वाली साउंड क्रिएट करेगा। जो भी साउंड आप सेलेक्ट करेंगे, वो साउंड आपकी क्रिएट करेगा आपका फोन, ठीक है। मैसेज कौन सा है, जो टेक्स्ट मैसेज का ऐप है ना, इस मैसेज ऐप का अगर कोई भी मैसेज आएगा आपके फोन पे, तभी आपका मोबाइल फोन जो है साउंड क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी नोटिफिकेशन आया, ठीक है, तो उसका व्हाट्सअप का या फेसबुक का कोई भी नोटिफिकेशन आया, ठीक है, किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का, तो आपका मोबाइल फोन साउंड क्रिएट करेगा। उनका साउंड एक अलग होगा, लेकिन ये मैसेज टोन सेटिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपकी मैसेज टोन सेटिंग इनेबल होने के बाद। अब मैं आपको इस सेटिंग को ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है, और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है मैसेज टोन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है यहां पर आप टाइप कीजिए इस तरीके से, तो आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन शो होगा मैसेज टोन का। तो यहां पर चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैसेज टोन पे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।